हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर 12 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी बुक्स की एक्सरसाइज 12.1। इसके पहले हमने इस चैप्टर के लिए जितना बेसिक था उसे बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया है, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर बेसिक नहीं क्लियर हुआ तो आप जितने मर्जी चाहें फॉर्मूले याद कर लीजिए। जैसे ही आपको थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्ट करके दिया जाएगा बोर्ड एग्ज़ाम में, थोड़ी अलग लैंग्वेज में पूछा जाएगा, तो आप वहाँ क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप बेसिक ज़रूर पढ़ लीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि हर क्वेश्चन फॉर्मूले से ही नहीं हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए कि हमें यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है और अगर किसी चीज़ को हमें फाइंड करना है तो उस तक हम पहुँचे कैसे। इसके लिए मैं आपको जो चीज़ बताऊँगी, जो पॉइंट डिस्कस करूँगी, आपको उसको ज़रूर समझना है। इसलिए वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए और समझिए, अगर आपने स्किप किया तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपसे मिस हो सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज़ सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द टू सर्कल्स। यहाँ पे कहा गया है कि दो सर्कल्स हैं जिसमें से एक की रेडियस 19 है और दूसरे की 9 सेंटीमीटर है। उन्होंने कहा है कि उस तीसरे सर्कल का रेडियस फाइंड करके बताइए जिसका सर्कमफ्रेंस पहले के जो दो सर्कल हैं उनके सर्कमफ्रेंस के सम के इक्वल है। तो ठीक है, हमें जो जो पॉइंट दे रखे हैं पहले उसको हम लिख लेते हैं। रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल, नाम दे देते हैं उसको R1, गिवन है 19 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सेकेंड सर्कल, नाम दे लेते हैं R2, ये है 9 सेंटीमीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन्होंने हमसे क्या कहा है उसको हमें एज इट इज़ ऐसे ही लिखना है और तभी हम अपने सोल्यूशन तक पहुँचेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन्होंने कहा है कि जो थर्ड सर्कल है, तो आप लेट कर लीजिए यहाँ पर, लेट द रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल, उसकी रेडियस को हम आर नाम दे रहे हैं, तो यहाँ पर इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, आर है वो। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन्होंने कहा कि सर्कमफ्रेंस ऑफ थर्ड सर्कल इक्वल है सर्कमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल प्लस सर्कमफ्रेंस ऑफ सेकेंड सर्कल। तो जैसा इन्होंने स्टेटमेंट बोला है कि सर्कमफ्रेंस इक्वल है सम ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल्स, तो तीसरे वाले सर्कल का सर्कमफ्रेंस बराबर है पहले और दूसरे सर्कल के सर्कमफ्रेंस के सम के। इसको हमने एज इट इज़ लिखा है इनके स्टेटमेंट को। अब हमें सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल पता है, वो होता है 2πr, बस उसी को हम यहाँ पर पुट करने वाले हैं। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द थर्ड सर्कल 2π, और थर्ड सर्कल की रेडियस r की जगह हमने क्या लेट कर रखी है, r लेट कर रखी है, तो हम यहाँ पर r लिख रहे हैं, इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस वही होगा 2πr, बस फर्स्ट सर्कल की हमने रेडियस कितनी यहाँ पर लेट कर रखी थी R1, पहले वो लिख लिया हमने, फॉर्मूला 2πr ही है, बस यहाँ पर हमने सेकेंड सर्कल की रेडियस को R2 कहा था। अब हमें R1 और R2 की वैल्यू पता है, 2πr इज इक्वल टू 2π, कॉमन अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं, यहाँ पर हम इसको कॉमन ले लेते हैं, 2π हमने कॉमन लिया तो ब्रैकेट में है R1 प्लस R2, 2π कॉमन लिया, R1 की वैल्यू 19 है प्लस R2 की वैल्यू 9 है,
टू पाई आर इज इक्वल टू टू पाई 19 + 9 = 28। यहाँ पे भी 2π है और यहाँ पे भी 2π है और ये सब मल्टीप्लाई में है इसलिए हम इन्हें कैंसिल कर सकते हैं। इस 2π से इस 2π को हम कैंसिल कर सकते हैं और r इज इक्वल टू कितना आया 28। और यहाँ पर यूनिट क्योंकि सेंटीमीटर यूज़ की गई है तो हमने सेंटीमीटर लिखा है। और आपसे यही तो पूछा था कि रेडियस ऑफ द सर्कल क्या है, मीन्स थर्ड सर्कल की रेडियस क्या है, क्योंकि बाकी की तो हमें दे रखी थी 2 की। तो यहाँ पर आपको लिखना है हैंस द रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल इज 28 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमें दे रखा है द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ टू सर्कल्स। यहाँ पे इन्होंने कहा था कि जो तीसरा एक ऐसा सर्कल है जिसका सर्कमफ्रेंस पहले के दो सर्कल के सर्कमफ्रेंस के सम के बराबर है। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि उस थर्ड सर्कल का रेडियस फाइंड करके बताइए जिसका एरिया बराबर है पहले के जो दो सर्कल हैं उनके एरिया के सम के। तो यहाँ पर फिर हम लिख लेते हैं कि रेडियस हमें क्या क्या गिवन है। रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल मान लिया कि वो R1 है, 8 सेंटीमीटर गिवन है। रेडियस ऑफ सेकेंड सर्कल नाम हमने दे लिया R2, वो है 6 सेंटीमीटर। लेट रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल मान लिया कि वो R है। इनके स्टेटमेंट को हम लिखने जा रहे हैं। इन्होंने कहा है कि एरिया ऑफ थर्ड सर्कल जो है वो इक्वल है एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल प्लस एरिया ऑफ सेकेंड सर्कल, मीन्स पहले और दूसरे वाले सर्कल के एरिया के सम के इक्वल है तीसरे वाले का सर्कल का एरिया। एरिया ऑफ द सर्कल होता क्या है, पाई आर स्क्वायर। और तीसरे सर्कल की जो हमने रेडियस लेट की है वो आर लेट कर रखी है, इक्वल टू यहाँ पे भी एरिया सेम ही होगा πr² + πr², बस इनकी जो रेडियस हमने लेट कर रखी है वो हमें लिखनी है। यहाँ पर R1 और यहाँ पर R2। R1 और R2 की वैल्यू हमें पता है, यहाँ से हम पाई कॉमन ले लेते हैं, R1² + R2² πr² इज इक्वल टू पाई R1। R1 की वैल्यू हमें 8 गिवन है, इसका हमें स्क्वायर करना है, प्लस R2 की वैल्यू 6 गिवन है, 6² इस पाई से इस पाई को कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है। आपको मैं यहाँ पर एक बार फिर बता दूँ कि अगर ये इस तरह से लिखा होता πr² और यहाँ पर पाई फिर प्लस या माइनस करके ये वैल्यू लिखी होती तो आप कभी भी इस पाई को इस पाई से कैंसिल नहीं कर सकते, ये तरीका गलत होगा क्योंकि यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है इसलिए हम इनको कैंसिल कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक है कैलकुलेशन का। फिर भी अगर नहीं पता है तो आप समझ सकते हैं। यहाँ पर R² इज इक्वल टू 8 × 8 = 64, 6 × 6 = 36। R² इज इक्वल टू 64 + 36 100 हो जाएगा। और क्योंकि हमें रेडियस फाइंड करनी है तो स्क्वायर इधर से हटाएंगे तो रूट लगेगा और हम प्लस माइनस का साइन नहीं लगा रहे हैं क्योंकि रेडियस क्या है, लेंथ है, और लेंथ आप कभी भी किसी चीज़ की निगेटिव नहीं लेंगे तो पॉजिटिव लेकर चल रहे हैं साइन हम। 100 का square root 10 होता है। यहाँ पर यूनिट हम यूज़ कर रहे थे सेंटीमीटर। इस तरह से रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू सर्कल इज 10 सेंटीमीटर। इस तरह से कंप्लीट होते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 1 और 2। आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसे शेयर करें।
चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहा करे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।